न्यू चाणक्य नगर बेगूसराय NH 31 स्थित ग्रेस हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोपी सेंटर जिला का एकमात्र प्रसिद्ध अस्पताल स्थानीय और बेगूसराय के अन्य हिस्सों से रोगियों की सेवा करने वाले वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। अपनी यात्रा के दौरान इस अस्पताल ने अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थान बना लिया। ग्रेस हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोपी सेंटर में विभिन्न तरह की इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। वही चिकित्सक डॉक्टर राजू कुमार एनेस्थेटिक और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ एवं साकेत कुमार लेप्रोस्कोपिक सर्जन के अथक प्रयास से एवं लगन से यह विश्वास कायम हुआ तथा ग्राहकों की संतुष्टि और उनके रोगों का निवारण की प्रमुखता ने इस अस्पताल को रोगियों का एक विशाल चिकित्सीय प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह अस्पताल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो अपनी अपनी भूमिका के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी दो पंचायत की बेगमसराय गांव स्थित NH 28 पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप वैन पलटने से जहां एक किशोरी की मौत हो गई वहीं एक पुरुष सहित 13 लोग गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों द्वारा आनंद फानन में सभी घायलों का इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टर ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों की नाजुक स्थिति देखकर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है और 6-7 लोगों का स्थानीय PHC में इलाज चल रहा है। मृतक बच्ची की पहचान समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर देसुआ गांव निवासी सुनील राय की 12 वर्षीय पुत्री मुन्नी कुमारी के रूप में किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि समस्तीपुर जिले के अंगार घाट थाना क्षेत्र के बीरगामा गांव निवासी नीरस राय एवं बतुआ पथु राय के पुत्र के मुंडन संस्कार समारोह में शरीक होने घर के अन्य सदस्य व रिश्तेदार के साथ जा रहे थे। इसी क्रम में बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बेगमसराय के समीप पेघरा की ओर तीव्र गति से आ रही अनियंत्रित एक तेल टैंकर ने पिकअप वैन को चकमा दे दिया जिससे पिकअप वैन गहरे गड्ढे में पलट गई और वैन के नीचे दब जाने से 12 वर्षीय मुन्नी कुमारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिला है कि लोग बीरनामा अनगार घाट से देवघर मुंडन के लिए जा रहे थे। पिकअप से पर थे, पिकअप पर 22 आदमी सवार थे। बेगमसराय और मोहनिया ढाला के बीच में टैंक लोड़ी चकमा दिया इनको और ये लोग अपने बचाव के लिए गाड़ी को भूसे पे चढ़ाए बचाव के लिए, लेकिन फिसलन के कारण गाड़ी खाई में गिर गया। खाई में गिरने के कारण लगभग दर्जनों लोग घायल हुए हैं। एक बच्ची जिसका नाम मुन्नी कुमारी बताया जाता है जो मृत हो गई स्पॉट पर ही, वहाँ से लाया गया, यहाँ डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। अभी तो हम आए, हमको ये सब पता ही नहीं लोगों से। मतलब क्या एक्सीडेंट जो आपको जानकारी में अभी तक मिल पाई है, क्या हुआ था घटना? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, इतने हम जानते हैं, ज्यादा कहाँ कहाँ पर हुई थी? बेगमपुरा। लगभग कितने लोग घायल हैं? घायल तब देखने वाला चीज है सर, देख लिया जाए यहीं पर। एक बच्ची मरी है सर जी, क्या नाम है इसका? बताया जा रहा है मुन्नी कुमार, अभी पूरा जानकारी लेना है, लिखना है, पूरा प्रति समर्पित होते हैं और अस्पताल के सामान्य दृष्टिकोण और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। निकट भविष्य में इस अस्पताल का लक्ष्य अपने सेवाओं की श्रृंखला का विस्तार करना और एक बड़े ग्राहक आधार को पूरा करना। वहीं बेगूसराय में यह अस्पताल न्यू चाणक्य नगर में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस अस्पताल तक आना जाना बहुत ही असुविधाजनक है क्योंकि परिवहन के विभिन्न साधन आसानी से उपलब्ध है। यह न्यू चाणक्य नगर में है जो पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए इस अस्पताल का पता लगाना आसान बनाता है। यह निम्नलिखित श्रेणियों में सिर्फ सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है: गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट, डॉक्टरों के पास अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस अस्पताल के कर्मचारी विनम्र हैं और कोई भी सहायता प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। वे आपके किसी भी प्रश्न या प्रश्न का आसानी से उत्तर देते हैं।